मथुरा अपर जिला सत्र न्यायालय 4 ने महिला की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए 3 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 10,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। आज अपर न्यायाधीश सुदामा प्रसाद ने सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर 3 शातिर अपराधियों को 2,00,000 की लूट करते हुए चाकू घोंप कर हत्या कर देने के मामले में सजा सुनाई। इस मामले में कॉल डिटेल के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें गुरुवार को सजा सुनाई गई। बताएं क्या जजमेंट आया आज? ये जो घटना है, ये खबरपुर की महिला की है, बच्चू सिंह की पत्नी थी। बच्चू सिंह की पत्नी अपने लक्ष्मी, जो अपने घर से ये कह के गई थी कि मैं अपने पीढ़ जा रहा हूँ, और उसका जो बच्चू सिंह का 2 बीघा खेत, मतलब खेत बेका था, तो उसके 2,00,000 रुपए भी ले गई थी, सोने चांदी के जेवरात भी ले गई थी। तो ये जो महेंद्र सिंह है, जो होमगार्ड है, जो होमगार्ड में इसका आना जाना था, इसके उस परिवार में बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, तो इसका फ़ोन आया इसकी बेटी के पास, भगवान देवी के पास। तो भगवान देवी से कही थी कि अपनी माँ से बात करा दे, तो वो माँ से बात करी, और माँ से बात करने के बाद वो अपने पियर जाने की, नेहरा काम पड़ता वहाँ जाने की कह के गई थी। तो इन लोगों की जो कॉल डिटेल है, कॉल और उसकी हत्या कर दी, चाकू बरामद हुआ है। 90,000 रुपये जो 2,00,000 रुपये ले गई थी, उसमें से 90,000 रुपये इन लोगों से, अभियुक्तों से बरामद हुए। और इसके बाद लाश जो मिली थी वो रेलवे स्टेशन के पास मिली थी, जो बिल्कुल सड़ी हुई स्थिति में थी। तो माननीय न्यायालय ने 9 गवाह पेश हुए, इसमें माननीय न्यायालय द्वारा कानून का राज स्थापित करने के लिए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये की सजा मूल्यवानों की है। कब हत्या की थी? ये जो घटना है, ये 12/7/2011 को गई थी, और इसकी जो लाश मिली है वो 15/7/2011 को मिली है, और 16 तारीख को बादी मुकदमा बच्चू सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया थाना छाता का।